अगर किसी ने पटा या बेल्ट वाला लेना है हाँ। उसका मात्र प्राइस रहता है 25,000 रुपया। आलू भी लगा लेंगे, गेहूं भी लगा लेंगे, गेहूं की कटाई कर लेंगे, लेबर की समस्या तो यही खत्म। लेबर की समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जी कमाल कर दिया, कमाल भाई, राजा भाई का भी तोड़ी ना भाई। एक बेरे कह दो नई मशीन खेत में वाड़ दी है, देखो वाले में जो बिल्कुल जोत देगा यहीं पे अभी धान की कटाई हुई है, और जहाँ पे चला के दिखाऊंगा जी। एक बार मेरी बात सुनो हाँ? जूते हुए मैंने इसमें चलाऊंगा, इसी में चला के दिखाऊंगा भाई साहब। तो आज हम पहुँचे थे लुधियाना कृषि मेले में, और हमें एक ऐसी शख्सियत मिली जो हमेशा मुस्कुरा रहते हैं। तो राजा भाई सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। और हमें एक ललक रहती है कि आप कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नया दिखाएंगे आज, ये 10 HP का जो टर्बो इंजन है। अच्छा। इसके साथ रिपर कैसे चलेगा वो आपको चला के दिखाऊंगा। ट्रॉली 1 टन का वजन है, आलू कैसे लगाएगी मशीन वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा। आलू भी लगा देंगे, बिल्कुल। आगे आलू की फसल लगनी है, गेहूं की फसल लगनी है, इसलिए गेहूं कैसे बोया जाएगा वो भी इसके साथ सीड के साथ लगा के दिखाऊंगा। और बेड कैसे बनेंगे इसी मशीन के साथ वो आपको करने वाला हूँ। अच्छा, इस मेले में आने वाले जितने भी दर्शक है, तकड़ा मेला भर रहा, काफी रश है जी। देखिए मुझे लग रहा आप ट्रैक्टर वाली कंपनियों को बंद करवा दो। अरे मैं कौन होता हूँ भाई साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ऐसे मत बोलिए। किसी का रोजगार जीना हमारा काम नहीं है। आप एक बात तो सुनो, जो छोटे 50-40 बीघे वाले किसान भी है, आलू भी लगा लेंगे, गेहूं भी लगा लेंगे, गेहूं की कटाई कर लेंगे, लेबर की समस्या तो यही खत्म। लेबर की समस्या खत्म हो जाएगी इन मशीनों से, कम पैसे में लेबर की समस्या खत्म होने का ये बहुत अच्छे साधन है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो 10 हॉर्स पावर का ये इटली मॉडल है। जी जी, इसमें मोटे मोटे पहिए भी लग रहे हैं। बिल्कुल जी, मोटे रेडियल के टायर दिए गए। जी जी, अगर ट्राली चलानी है, रिपर चलाना है, तो मुझे मोटे टायर ही काम करेंगे, पतले टायर वहाँ पे काम नहीं करते भाई साहब। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ हा? ये 10 हॉर्स पावर आपने बता दिया, लेकिन हमें कैसा पता चला ये 10 हॉर्स पावर का? भाई साहब ये लिखा तो हुआ, ये देखिए। देखो सुनो, यहाँ लिखने से क्या पता चल रहा भाई साहब? देखिए हाँ, ये भी बात सही है। देखो जी, ढलाई पे पक्का स्टैंप लगी होगी यहाँ पे, इटली 10 टर्बो। हाँ लिख रहा जी, रियल सच में। देखो राजा भाई एक चीज और है, यहाँ भी लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे प्लेट भी लगे। देखिए ये प्लेट भी कोई भी लगा सकता है, स्टिकर भी कोई लगा सकता है, लेकिन जो ढलाई पे पक्की मोड़ होती है वो कोई नहीं कर सकता जी। हाँ जी हाँ जी, इससे पर इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो राजा भाई एक चीज और है, किसानों का मन एक चीज में लगा हुआ है, बताइए कि चला के दिखा दो। देखिए मेला काफी भरा हुआ है, मैं जगह देख लेता हूँ। हाँ। अगर जगह मिल गई तो जरूर आपको चला के दिखाऊंगा जी, क्योंकि जब तक बताइए कौन सा इम्प्लीमेंट चला के देखना चाहते हो, चाहे कुछ हो दिखा दो, पर जो चला के दिखा दे, देख लेते हैं। धान का भी वैसे पका नहीं है, आपको रिपर चला के दिखा देते हैं, कटाई करवा के, कटाई करा के और जुताई करा के दिखा देते हैं, ताकत सी लगवा के देखो। जो बोलेंगे वो करके दिखा दूंगा जी। बात है इतनी ताकत तुम कहाँ से लाते हो? अरे मैं ताकत नहीं, मेरे फार्मर मेरे लिए ताकत लाते हैं, मैं कौन होता हूँ ताकत लेके। सही बात है जी। तो दोस्तों आज हम पंजाब लुधियाना मेले में आए हुए थे, आप देख सकते हो कृषि मेला लुधियाना अहमदगढ़ पंजाब, और भाई साहब पूरे नज़ारे आ रहे हैं। आप देखो ये भाई भी आ रहे, कहाँ से आए हो भाजी? तुसी कहाँ से आए जी? बत्ती भगी बिजली गुम होगी तुम्हारी तो? कहाँ से आए हो? कहाँ से? लुधियाने से। ठीक है जी, ठीक है। तो राजा भाई कुल मिला के बात यह है कि अब चला के दिखाते हैं। देखो जी कमाल कर दिया, कमाल भाई, राजा भाई का भी तोड़ी ना भाई। एक बेरा कह दो नई मशीन खेत में वाड़ दी है, देखो अच्छा राजा भाई एक चीज तो बताओ, ये जो जबरदस्त कटाई इसने करी है, देख जी, रहे हो जी, चल जी, रही जी। है, मैंने चलती भी रुकवाई है बाकायदा, ये किस तरीके से हो रहा, कमाल क्या कारण है? अरे भाई साहब मेरा कोई कमाल नहीं है, एक तो साइंस का कमाल है, और मेरे फार्मरों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अच्छा। इसलिए जो अच्छा इतना काम कर रही है भाई, कमाल कर दिया जी मशीन। शुक्रिया शुक्रिया मेरे। और मैं कह रहा हूँ इस बार गेहूं वाले किसानों के लिए तो ये वरदान हो जाएगा। अरे गेहूं वाले नहीं, अभी तो धान की कटाई होनी है, सोयाबीन की कटाई होनी है, इसलिए तो ये देखिए मात्र 1 इंच से, देखिए मात्र 1 इंच से ये कटाई कर रही है जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। पूरा गीला खेत है ये देखिए, और फसल भी गिली है जी, बिल्कुल गिली फसल है, फसल गिली पानी लगा हुआ है जी खेत। सबसे बड़ी बात है राजा भाई, फसल गिली है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाह रहा था हा? कुछ रिपरों में बेल्ट टूट जा जी, इसमें बेल्ट बुल्ट तो लिकट गया भाई साहब? इसमें बेल्ट लगाई क्या है, चेन लगाई हुई है, बुल्ट वाली चेन है, जो अगर बेल्ट या पटा लगाते हैं उसकी क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने से फार्मर से चलेगा ही नहीं भाई साहब, वो तो रिपर बहुत सस्ते होते हैं। अच्छा बेल्ट कवाड़ है भाई, पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, बरसों पुरानी, उसको क्या लेना किसी ने? अच्छा इसमें स्पेशल चेन लगाया गया है।
है भाई साहब, बेल्ट की राड़ी काट दी, बेल्ट की राड़ी काट दी भाई साहब, कमाल कर दिया जी। अच्छा एक चीज और बताओ राजा भाई, जो रीपर है आपका, इस रीपर की अगर मतलब रीपर खरीदने से पहले किसान रीपर की कौन सी क्वालिटी देखा, जो स्पेशल मेन तो क्वालिटी देखे, ये कितनी हाइट से काट रहा है, दूसरा ये देखे कि इसमें बेल्ट लगा हुआ है या चेन लगा हुआ है। हमेशा जो अगर आपने 5 फीट की हाइट वाली फसलें काटनी है तो चेन वाले ही रीपर लेने चाहिए। जो बेल्ट वाले रीपर होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, जिसमें पटा लगा होता है, एक तो आवाज बहुत होती है, स्लिप मार जाती है, प्रॉपर कटाई नहीं हो सकती। अच्छा एक चीज बताओ, आज तो तुमने डूंडे ठा दिए, शुक्रिया जी। डूंडे क्या हो गया भाई, डूंडे हो जी, मजा बांध दिया, मजा बांध दिया, शुक्रिया शुक्रिया भाई, इतने सारे दर्शक आ रहे देखना, मजा ही बांध रखा। एक चीज और बताओ, जैसे हमारे किसानों को एक ही इंतजार रहा है, कबर रिहात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी तो अभी आपको और बहुत सारी डेमो देनी है, अभी रुक जाइए भाई साहब, अरे शोरूम को दिखा के जाऊंगा, अरे भाई साहब जो बोलोगे वही दिखा देंगे। ठीक है जी, ठीक है, एक बार और चला दे भाई, पार काट दे, ये देखो जी एक हत्ती में स्टार्ट होगा, कमाल होगा भाई साहब, टर्बो का इंजन उपयोग किया गया है, इसलिए एक हत्ती का उपयोग, इसलिए एक हाथ में स्टार्ट हो जाता है ये। अच्छा एक टर्बो का इंजन नहीं होता तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होना था। ठीक है, ये देखो जी बड़ी आसानी के साथ घुमा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये देखिए कैसे घुमाया है, इसमें इजी टर्न का उपयोग किया गया है, अगर इजी टर्न नहीं होगा तो घूमने में बड़ी दिक्कत आती है, इसमें स्पेशल इजी टर्न का उपयोग किया गया है। अच्छा इजी टर्न इसके टायर में लगा हुआ, बिल्कुल, वो अभी आपको मैं खुला दिखाता हूँ पीस कौन सा। ठीक है जी, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ अपने दर्शक, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और देखो जी वाकई में राजा भाई भी बादशाह आदमी है जी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई किसान आना चाह रहा भाई यहीं आके ले होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था, भाई साहब कंपनी में आ सकता है, रहने पीने का प्रॉपर प्रबंध किया गया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यहीं आके देख लो, चाहे लाइव डेमो करके दिखा देंगे। ठीक है जी, देखो जी कमाल कर दिया, मत्ता की कटी पड़ी है राजा भाई, इससे यहाँ चला के दिखाओगे क्या, इसे भी यहाँ बिल्कुल चला के दिखाऊंगा भाई साहब, जोत देगा इसमें भी पक्के वाले में, भाई साहब बिल्कुल जोत देगा, यहीं पे अभी धान की कटाई हुई है, और जहाँ पे चला के दिखाऊंगा जी। एक बार मेरी बात सुनो, जुते हुए मैंने इसमें चलाऊंगा, इसी में चला के दिखाऊंगा भाई साहब, अपनी बात पर आओगे, पक्का वादा है जी। चला भाई, चला भाई, चला दिखा भाई, आज देखेंगे इसका कितने दम में है, आज देख लो राजा भाई, देखो चला दिया जी। अरे आप बात ही करते रहोगे या दिखाओगे अभी, ओ भाई ओ क्या कर दिया, ढूंढे पड़ रहा है तो भाई, जुलम कर दिए, ये देखो जी भाई, वाकई में राजा भाई ने कमाल कर दिया, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए वैसे, ये देखिए बिल्कुल, राजा भाई तुम गलत कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, क्या गुनाह कर दिया भाई साहब, मैंने क्या गलती कर दी, ये तुम ट्रैक्टर कंपनियों के साथ गुनाह कर रहे हो। अरे भाई साहब ट्रैक्टर वाले कंपनी वाले बहुत बड़े लोग हैं, उनका इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ही मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा बोलना चाहता हूँ। एक बात तो सुनो, रूटावेटर से भी तकड़ा काम कर रहा, अरे ये छोटे किसान को क्या दिक्कत है, किसान भाई को अगर अच्छा लगता है तो जरूर लेंगे। रोक ले भाई, बंद कर दे, बंद कर दे आशु भाई, बंद कर दे, बंद कर दे भाई, बंद कर दे। राजा भाई एक और चीज है जी, ये भाई बहुत दिन से चला रहा जी, आज हमारी साथ अपना भाई लाया हूँ, उससे चलवाएंगे, चलवा के देख लो भाई साहब, पक्की बात है, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आजा, अरे ये हुआ है वो हुआ, उसमें क्या है, किसान ने भी चलाना ही है भाई साहब, उसमें क्या फर्क पड़ गया, चला भाई चला, पूरे सुन पूरी चीका कड़ा देनी, फुल चीका। ठीक है जी राजा भाई, आज देखेंगे इसका असर कितना है जी। ठीक है जी, चला भाई चला, जोर लगा के फुल, ये देखो जी चला दिया जी, साढ़े भाई ने भी चला दिया, ये देखो कोई नहीं, तो जूते में भी चला दे, पूरा लोड गिर दे, खा दे भाई, वाह भाई मट्टी इसके सिर पर उतार दी राजा भाई, सिर पर को मट्टी उतार दी रूटावेटर के, भाई साहब डाले ताकत इतनी ज्यादा है भाई साहब, टर्बो का तो इंजन लगा हुआ है, अगर ये नहीं करेगा तो और क्या काम करेगा जी। अच्छा एक बात बताओ, बोलिए, जैसे वो चाचा रही भतीजा और दोनों को साथ ले ला, ये चाचा भतीजा क्या आ गया बीच में भाई साहब, जो रिपर है उसको भतीजा बोल दिया, और यो चाचा भतीजे दोनों इकट्ठे ले जावे तो फिर क्या होगा भाई साहब। देखिए इसका जो प्राइस है मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा RX125 मॉडल है टर्बो के साथ, इसका जो प्राइस है 95,000 रुपया है, 20,000 सब्सिडी काट के हम 75,000 रुपये का देते हैं, अगर सेल्फ वाला, अगर किसी ने सेल्फ वाला नहीं लेना तो 5,000 रुपया कम हो जाएगा, तो ये जो प्राइस है 70,000 रुपया रह जाएगा भाई साहब, मात्र 70,000 रुपए। जी 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 माले जी, तो आज जी, पहली बार देख रहा हूँ मैं जी जी, इतना सस्ता आज तक कुछ नहीं दिया, एक बार बात, सबसे बड़ी बात है टर्बो का इंजन है जी, टर्बो में इतना सस्ता मात्र 70,000 रुपए, बिल्कुल जी बिल्कुल, आज तक नहीं दिया। अरे भाई साहब दे तो रहा हूँ, और एक बात पहले राजा से पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए जी भाई, एक बात बता ईमानदारी से, देख सारे भाई खड़े
झूठ तो नहीं बोल रही? ना ना ना। कैसा चला ईमानदारी से? तू मेरा भाई है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, 10 HP के अंदर इतनी पावर जनरेट कर रहा है ये इसका इंजन जो है, कि इसे इतनी जबरदस्त तरीके से चला रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। कुल मिलाकर चाचा भतीजा ले ले दिक्कत तो ना है? ना, चाचा भतीजा लेने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट चल रहा है एकदम। ऐसा तो ना कंधे वंदे से दुख रहे हो? ना ना, मैंने और भी चला के देखे, कंधे दुखते हैं लेकिन इसमें कोई महसूस नहीं हो रहा, अपना आप ही ये नीचे करिए। हाथ ऊपर को एक बार हाथ ठा के दिखा, दोनों हाथ ऊपर करके दिखा, एकदम सही है अपना आप ये एकदम नॉर्मल चल रहा है, कोई इसमें दबाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ रही, नहीं तो लटका रहना पड़ता है इनके ऊपर, ये बहुत बढ़िया चल रहा है एक तरीके, पास है बिल्कुल पास। भाई साहब इसका मेन रीजन है, इसमें जो हैंडल को बड़ा किया गया है इसलिए ये जीरो वाइब्रेशन और कोई भी झटका नहीं लगाता, इसलिए इस तरीके से चल रहा है भाई साहब। ठीक है, अच्छा सारी बात होगी लेकिन एक ही चीज रहेगी जी, बस रिहात से, ये हमारे किसानों पर रिहात कर दो। अरे भाई साहब आप हर बार हमें बोलते हो, चलो जो भी हमने आज तक किसी को निराश नहीं किया, जो भी हमें आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको हम 5000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट करेंगे, उसको हम ये सेल्फ वाला 70000 रुपए में उसमें 32 ब्लेड की रोटरी तो देंगे ही देंगे, साथ में जो रेडियल के 2 टायर और 4000 की अटैचमेंट है साथ में देंगे, इसमें बैटरी इंक्लूड नहीं है क्योंकि बैटरी रास्ते में टूट टूट जाती है। अगर किसी ने बिना सेल्फ का लेना है उसको 5000 रुपए का और डिस्काउंट करेंगे, वो 65000 रुपए का देंगे, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, अगर तक डिलीवरी का आज तक हमने कभी पैसा नहीं लिया। ये हकीकत है, राजा भाई ने आज तक डिलीवरी का चार्ज नहीं लिया और मात्र मिलेगा 65000 रुपए में जी। राजा भाई एक बिना चीज़, सेल्फ वाला, बिना सेल्फ, बिना सेल्फ, अगर सेल्फ वाला देना तो 70000 रुपए। अच्छा अच्छा जी, एक चीज बताओ भतीजे का क्या रेट है? भतीजे का रेट है 45000 रुपया चेन वाला, अगर किसी ने पटा या बेल्ट वाला लेना है उसका मात्र प्राइस रहता है 25000 रुपया, वो हम वैसे अवॉइड ही करते हैं क्योंकि फार्मर है भाई साहब, वो भी इंसान है, उनको बहुत थकावट हो जाती है, वो हम अवॉइड करते हैं देने के क्योंकि वो प्रॉपर चलता नहीं, इसलिए चेन वाला ही लेना चाहिए। अच्छा 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 जी, बस भतीजे में करंट भी ज्यादा रहे बस चाचा तो बड़ा रहा है तो भतीजे में ज्यादा करंट रहा है जी, जी। पर मुझे ऐसा लग रहा है चाचा में भी पूरा करंट है, करंट दोनों में ही है भाई साहब, हाँ, पूरा करंट है जी। जी, जी, जी। अच्छा एक चीज तो रहेगी, बड़े बड़े किसान भी हैं जी जी जिन्हें इनकी जरूरत है जी, अगर कोई दोनों ही लेना चाहे चाचा भतीजे एक साथ, मतलब कि आपका मतलब है कॉम्बो पैक लेना चाहता है, हाँ। तो सेल्फ वाला हो गया 70+45, ये हो गया भाई साहब 115000 रुपया, बिना सेल्फ का हो गया 110000 रुपया। अच्छा जी, तो 110000 रुपए के दोनों मिल जाएंगे चाचा भतीजे जी, जी, डबल पावर जी जी, मजा ही आ जाएगा, कुल मिला के 110000 के हो गए बिना सेल्फ वाला, और सेल्फ वाला 115000 का। अच्छा कुछ और कर दो रियाद से, मजा आ जाएगा, मान जाओ बात को भाई साहब, अब और क्या रह गया, सब कुछ 5000 पहले कर दिया, 20000 सब्सिडी काट दी, और क्या रह गया, तुम तो राजा हो। अरे भाई कर दो कुछ तो रियाद कर, अरे जो भी है चलो हमें कॉम्बो पैक लेगा उसको 5000 का और डिस्काउंट कर देंगे, सेल्फ वाला 110000 का और बिना सेल्फ का 105000 का दे देंगे, आज तक हमने किसी को निराश नहीं किया, कोई भी हमें बोल नहीं सकता फारूक भाई हमने किसी को निराश किया, बिल्कुल भाई साहब, डिलीवरी फ्री, डिलीवरी फ्री भाई साहब, मजा आएगा जी, कोई कसर तो नहीं रही? सही सरदार जी बता दो, सही गल ठीक है जी, ठीक है आप बताओ जी, ठीक।